हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं नीलेश कुमार। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वह पाठ्यड के एडमिशन से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं पाठ्यड में, और साथ ही एडमिशन फी। तो जिनका बहुत से स्टूडेंट्स का प्रश्न था कि फी कितना लग रहा है और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं पाठ्यक के एडमिशन में, जो कि सत्र है 2019 से 22 का सत्र है और पाठ्यक में जो एडमिशन चल रहा है और उनका जो डेट है वह 25 से 28 के बीच डेट दिया है पाठ्यक में एडमिशन करवाने का। और साथ ही अगर आप 29 से 30 के बीच करवाते हैं तो आपको ₹100 विलंब शुल्क देना होगा, जो कि मुंगेर विश्वविद्यालय के ऑफिशियल नोटिस में भी आया हुआ था, जो कि मैं अपडेट भी किया हूं। और इस वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाला हूं कि पाठ्यक का जो एडमिशन स्टार्ट होने वाला है, जो कि सत्र है 22 से 25 का सत्र है, इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है और फी के बारे में जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे और उन्हीं को मैं आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो मैं बता रहा हूं उनको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। और पहला जो पॉइंट है कि पाठ्यक में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स, तो पहला जो पॉइंट है कि आपको पार्ट वन का एडमिट कार्ड लगने वाला है और पार्ट टू का एडमिट कार्ड लगने वाला है। तो पार्ट वन और पार्ट टू का एडमिट कार्ड हो गया, पहला पॉइंट हो गया आपका, दोनों का आपका एडमिट कार्ड लगने वाला है। और साथ ही पार्ट टू में दूसरा पॉइंट जो है कि दूसरा में है पार्ट वन का भी आपको मार्कशीट चाहिए और पार्ट टू का भी मार्कशीट चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट है वह रसीद है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड, और एक रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आपको मिला होगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आप रख ले अपने पास, क्योंकि हो सकता है रजिस्ट्रेशन स्लिप आपसे मांगा जाए, तो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको रख लेना है। तो यही तीन डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं पार्ट थर्ड के एडमिशन में। जो पहला पॉइंट मैंने अभी बताया, पार्ट वन का एडमिट कार्ड हो गया और मार्कशीट लग जाएगा, दूसरा मैंने बताया पार्ट टू का भी एडमिट कार्ड और मार्कशीट लग जाएगा, और तीसरा पॉइंट मैंने अभी बताया आपको रिसिप्ट रख लेना है, या और साथ ही रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट और आई कार्ड भी अपने पास रख लेना है, जो कि आपको काम देगा। और यही डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। और साथ ही जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि फी के बारे में, जो पूछ रहे थे कि फी कितना लगने वाला है, तो सभी कैटेगरी का फी मैं बताना चाहता हूं कि सभी कैटेगरी का फी अलग अलग रखा गया है। इसके पहले जो था एससी एसटी का फी माफ था और गर्ल्स के फी को भी नहीं लिया जाता है मुंगेर विश्वविद्यालय में। और जो अभी मैं बता रहा हूं कंफर्म इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अगर आप, मैं कंफर्म बोलता हूं कि इतना फी ही लगेगा तो आप मुझे बोलिएगा कि गलत इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स बोले भी हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन देता है। इस वजह से मैं फी के बारे में क्लियर नहीं बताऊंगा, बस इतना आपको हिंट्स देता हूं कि अगर आप यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करते हैं तो लॉग इन करने के बाद आपको खुद अपने आईडी पे आपका फी जो है वो दिख जाएगा। अपने फी को आप देख सकते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए, लॉगिन करने के बाद आपको फी जो है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, तो खुद आपको पता चल जाएगा कि मेरा कितना पैसा लग रहा है। और डॉक्यूमेंट तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि डॉक्यूमेंट आपको पार्ट वन का एडमिट कार्ड मार्कशीट, पार्ट टू का एडमिट कार्ड मार्कशीट और रिसिप्ट भी रख लेना है आपने, रजिस्ट्रेशन वाला हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए, और आइडेंटिटी कार्ड आपको रख लेना है। तो यही डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। और फी की बात रही तो फी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद आपके स्क्रीन पे खुद दिख जाएगा कि आपको कितना फी लगने वाला है। जैसे आप लोग एडमिशन करवाए थे तो उसी समय फी आपके स्क्रीन पे दिख गया था, तो उसी तरह आपको यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद आपको फी जो है वह खुद दिख जाएगा आपके आईडी पे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितना मेहनत मैं आप लोग के पे करता हूँ, अपडेट देता हूँ, तो वैसे ही आप लोग भी थोड़ा सा प्यार बनाए रखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो के माध्यम से आपको कितना समझ आया है, तो सभी
जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपना कमेंट जरूर दें, तो इससे मुझे पता चलेगी कि नेक्स्ट वीडियो में, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, इनमें मैं क्या सुधार सकता हूँ और क्या मेरे में खामियां हैं जो बताने में जो आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में अपना जरूर इनबॉक्स में अपना कमेंट दें कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कितना समझ आया। धन्यवाद।